देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक तरह से एक मिनट के अंदर हम कैसे बता सकते हैं ज्योमेट्री एंड शेप। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर बता रहा हूँ। कंसिडर, जब अपन ज्योमेट्री कंसिडर कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को देखेंगे, समझ में आ रहा है? यानी जहां जहां लोन पेयर है उनको भी कंसिडर करेंगे और सिग्मा बॉन्ड को। लेकिन जब शेप आ रहा है तो ओनली कंसिडर सिग्मा बॉन्ड बेस्ड ऑन न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियाई ही सिग्मा बॉन्ड पे अटैच होंगे। ठीक है, केस स्टडी करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये sp2, sp2 के अंदर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर भी आ सकते हैं और आपके पास सिग्मा बॉन्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में तो दोनों को कंसिडर करेंगे, तो हमारे लिए क्या आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर फिक्स हो गया। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर, ये फिक्स हो गया। अब लोन पेयर अगर आपके पास जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर शेप और ज्योमेट्री आपके लिए क्या हो जाएगी? सेम। लेकिन अगर लोन पेयर एक है तो आपको एक लोन पेयर देना पड़ेगा और आपकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी लेकिन शेप चेंज हो जाएगी। और शेप अब लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे तो कैसा दिखेगा? बैंड या वी या फिर एंगुलर शेप दिखेगा। इज दैट क्लियर? दूसरी तरफ अगर केस स्टडी सेकेंड करते हैं हम, जहाँ हमारे पास sp3 यानी टेट्रागोनल ज्योमेट्री, हमारे पास टेट्रागोनल ज्योमेट्री, टेट्रागोनल आपके लिए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। अगर लोन पेयर जीरो है तो लोन पेयर है ही नहीं, तो सारे आपको शेप भी और ज्योमेट्री सेम रहेगी। तो ये तो हमेशा के लिए हो गया कि जब भी लोन पेयर नहीं होगी तो सिमेट्रिकल शेप होगी और आपके पास क्या हो जाएगा? शेप और ज्योमेट्री क्या होंगे? दोनों सेम होगी। तो यहाँ हमारे पास ज्योमेट्री और भी टेट्रागोनल है और शेप भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन अगर यहाँ टेट्राहेड्रल आएगा तो यहां अपने पास टेट्राहेड्रल, अगर हमारे पास लोन पेयर एक आ गया, ठीक है ना, तो लोन पेयर अगर हमारे पास एक आ गया तो हम ये इसको इसको क्या बोलेंगे? देखो लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते, किसमें? शेप में। ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी लेकिन हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो हमारे ज्योमेट्री तो हमारे पास वही रहेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन जो शेप बनेगी वो हमारे पास क्या होगी? यहां पर पिरामिडल लाइक दिस, हम उसमें लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं NH3, ASH3, PCl3। इसके एग्जाम्पल होंगे ऊपर वाले के CH4 एक्सेस्ट्रा या CCl4, इस तरह के हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, या XCO4। देखिए चार सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, पाई बॉन्ड को हमें कहीं नहीं कंसिडर करना, ना तो शेप में ना ज्योमेट्री में। दूसरी तरफ अगर दो लोन पेयर हैं तो बैंट और वी शेप दिखाई दे रही है आपको, एक एक लोन पेयर लगाते जाओ सिग्मा बॉन्ड को हटाते जाओ, तो यहां पर शेप क्या होगी? बैंड शेप। एग्जाम्पल H2O, SF2, XCO2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब बात करते हैं केस स्टडी sp3d, और हमारे पास इस जगह जो शेप होगी वो होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही ज्योमेट्री होगी, यही हमारे लिए शेप होगी, सही है? अगर लोन पेयर जीरो है तो हमारे लिए शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इस तरफ जो होता है उसे इक्विटोरियल बोलते हैं और ऊपर नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एक्सियल। अगर एक भी लोन पेयर आया तो आप क्या करोगे? इक्विटोरियल पे लगाओगे, क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल 120 होता है, ज्यादा आता है, रिपल्शन कम रहेगा, तो आपको क्या दिखाई देगा? ये एक तरह से झूला जो बचपन में झूलते थे ना सीसो, वैसा मिलेगा। यानी हमारी शेप क्या हो जाएगी इस कंडीशन में? सीसो। ज्योमेट्री क्या रहेगी यहाँ पर? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में लोन पेयर को भी कंसिडर करेंगे तो आपको वैसा ही दिखेगा। इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या हो जाएगा? SF4, चार बॉन्ड और एक लोन पेयर। नेक्स्ट अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा? दो लोन पेयर आते ही आपके पास क्या हो जाएगा? टी शेप दिखाई देगी। आप इक्विटोरियल पे एक एक करके क्या करते जाओ? लोन पेयर लगाते जाओ बस। तो जैसे जैसे लोन पेयर लगते जाएंगे, ये दो लोन पेयर आए तो आपको क्या दिखाई देगा? टी शेप। इसका एग्जाम्पल होगा आपके पास CLF3 या ICL3, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? टी शेप के CLF3। तो ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लीनियर के लिए, तो ये तीन लोन पेयर, तो तीनों जगह आपके पास लोन पेयर आ गए तो बचेगा क्या? लीनियर। लीनियर का एग्जाम्पल आएगा बहुत इजी है, I3 - XCF2, ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। तीन लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, आ रही है बात समझ में? तो ये आपके पास वापस लीनियर होगा। तो आप मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर दें, अभी तक जो पढ़ा है लीनियर शेप आपको किस किस में मिल रही है? sp3d में, sp3d में लीनियर, sp2 में लीनियर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। sp3 में मिल रहा है? नहीं। बैंड शेप किस किस में मिल रहा है आपको? बैंड शेप आपको मिल रहा है sp2 में मिल रहा है, sp3 में मिल रहा है। इसमें बैंड शेप मिल रहा है आपको? कहीं पर भी नहीं मिल रहा, बैंड शेप नहीं मिल रहा, ध्यान रखना, लीनियर मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपके पास हो सकते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाता हूँ इस पे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम शेप बट डिफरेंट ज्योमेट्री,
ज्योमेट्री डिफरेंट होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक हो गए। तो अब आप समझ गए, सेम शेप और डिफरेंट ज्योमेट्री, यानी मैं एक लूंगा एस पी का और एक लूंगा एस पी थ्री डी का। सेम शेप डिफरेंट ज्योमेट्री, यानी एक लूंगा मैं एस पी टू का और एक लूंगा एस पी थ्री का, क्योंकि इनमें एक शेप दोनों में क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। तो अब आगे आपको कंसीडर कैसे लेते हैं, तो ये क्वेश्चंस करना सीख लो आप। तो चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, केस स्टडी फोर्थ एस पी थ्री डी। एस पी थ्री डी यानी कि आपके पास हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की ज्योमेट्री ये है। अब अगर लोन पेयर हमारे पास जीरो है तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होती है, ऐसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होगी तो आप इस तरह से देख सकते हैं। एक और बात, ये जो तीनों है प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेन में, उसको मैं बोलूंगा इक्विटोरियल और ऊपर वालों को बोलूंगा एक्सियल। तो यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप बराबर है, लोन पेयर जीरो है। लेकिन अगर लोन पेयर एक भी हुआ तो हम लोन पेयर वहाँ लगाएंगे जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉन्ड एंगल मैक्सिमम यानी 120 डिग्री यहाँ पर है। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक तरह से बचपन में जो झूला झूलते हैं वही सीसा, तो इसको बोलेंगे सीसा। इसका एग्जाम्पल है एस एफ फोर, इज दैट क्लियर। और इसका एग्जाम्पल आप बना सकते हैं पी सी एल फाइव एक्सेस्ट्रा, इस तरह के एग्जाम्पल बनेंगे जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा, सिर्फ पांचों सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट, अगर दो लोन पेयर हुए तो दो लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर, तो आपको इसके अंदर दो लोन पेयर लगा दो तो आपको कैसा दिखाई देगा, टी शेप, इज दैट क्लियर। तो आपको टी शेप दिखाई दे रहा है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सी एल एफ थ्री और आई सी एल थ्री लाइक दिस। इसमें सब में दो लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर है। इधर देखिए, अगर तीन लोन पेयर हुए, तीन लोन पेयर हुए तो आपके पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आई थ्री माइनस एक्स सी एफ टू, जिसके अंदर तीन लोन पेयर है। लेकिन अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आपको लीनियर दिखाई देगा, बिल्कुल लीनियर। तो आपको लीनियर या तो यहाँ पर एस पी थ्री डी में दिखाई दे रहा था या फिर आपको इस तरफ एस पी में दिखाई देता है, सिर्फ एस पी में। तो मैं बैंड शेप की पूछता हूँ, बैंड शेप कहाँ कहाँ दिखाई देता है, एस पी टू एंड एस पी थ्री में। तो इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल आ सकते हैं जिसमें मैं पूछ सकता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो इसका मतलब ज्योमेट्री डिफरेंट हो लेकिन शेप सेम हो। तो ये बहुत खराब क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे आंसर्स आपके पास या तो बैंड शेप वाला हुआ तो एस पी टू एस पी थ्री में मिलेगा, और लीनियर वाला हुआ तो एस पी और एस पी थ्री डी में मिलेगा, इज दैट क्लियर। तो दोनों ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे एक्स सी एफ टू एंड एक्स सी एफ टू एंड बी ई सी एल टू, दोनों लीनियर है लेकिन दोनों की ज्योमेट्री अलग है, शेप सेम है ज्योमेट्री अलग है। ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है क्योंकि तीन लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर है, जबकि ये आपके पास क्या है, प्योर लीनियर है, यानी इसकी ज्योमेट्री आपको लीनियर ही मिलेगी, इज दैट क्लियर। सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने की वजह से ज्योमेट्री अलग अलग है। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बन सकेंगे, तो चलिए इन सबको लिखो आप। तो चलिए एक और केस स्टडी देखते हैं हम, और हमारी केस स्टडी है एस पी थ्री डी की। एस पी थ्री डी यानी कि हम बात करें स्क्वायर बाय पिरामिडल। अगर स्क्वायर बाय पिरामिडल में ज्योमेट्री बात करें तो हमारे पास स्क्वायर बाय पिरामिडल होगी, लेकिन अगर लोन पेयर जीरो है तो हमने पहले ही बात करा है कि शेप और ज्योमेट्री क्या होती है, तब सेम रहती है। यानी अगर लोन पेयर जीरो है तो आपके पास स्क्वायर बाय पिरामिडल ही शेप रहेगी, और शेप भी और ज्योमेट्री भी स्क्वायर बाय पिरामिडल ही रहेगी। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एस एफ सिक्स, ठीक है। अगर एक भी लोन पेयर आया तो लोन पेयर वहां लगाएंगे जहां बॉन्ड एंगल कम हो, लेकिन यहां तो सभी आइडेंटिकल है, ऑक्टाहेड्रल शेप बोल सकते हैं इसको, स्क्वायर बाय पिरामिडल को ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो यहां पर लोन पेयर हम कहां लगाएं, कहीं पे भी लगा दे बात बराबर है। तो हमने लोन पेयर यहां लगाया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप बनेगा, इज दैट क्लियर। कहीं पे भी लगा दो सब आइडेंटिकल है ऑक्टाहेड्रल में, तो स्क्वायर पिरामिडल। इसका एग्जांपल है आई एफ फाइव। अगर दो लोन पेयर है तो आप मैक्सिमम एंगल पे लेने की कोशिश करेंगे, यानी अपोजिट में, तो अब आपके पास शेप क्या मिलेगी, इस जगह स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या मिलेगी आपको, ज्योमेट्री तो लोन पेयर पर डिपेंड ही नहीं करती, कोई भी लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, तो ज्योमेट्री तो अभी भी इसकी यही रहेगी, क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन शेप क्या हो जाएगी आपके पास, स्क्वायर प्लेनर। इसका एग्जांपल है एक्स सी एफ फोर। अगर तीन लोन पेयर है तो देखिए, तीन लोन पेयर वाला कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, तो जब होगा तब अपन सोचेंगे, फिलहाल तो नॉट पॉसिबल ड्यू टू हाई लोन पेयर हिंड्रेंस, इज दैट क्लियर। लोन पेयर हिंड्रेंस, तीन लोन पेयर आती बहुत ज्यादा होगी, दो आए तो झेल लेगा एक बार, तीन में तो नहीं है। एक और केस स्टडी कर रहे हैं अपन, देखते हैं। पहले तो ये चीज क्लियर है सारे एग्जाम्पल, देखिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एस पी थ्री डी थ्री, नया केस है बिल्कुल, यानी हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल, अगर लोन पेयर जीरो है तो शेप और ज्योमेट्री सेम होता है, मैंने पहले भी बता दिया। तो शेप क्या होगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एग्जाम्पल है आई एफ सेवन, कोई लोन पेयर नहीं है, साथ तो आपको यहाँ पर क्या दिखेंगे, बॉन्ड पेयर दिखेंगे, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अगर लोन पेयर आपके पास एक है
क्या है, एक लोन पेयर है। तो अब आप सोचेंगे कि इसको कहाँ लगाएं हम, लगाना कहीं नहीं है, ये बिल्कुल अलग तरह की थीम पे चलता है और ये जनरेट करता है ऑक्टाइडल, और वो भी डिस्टॉर्टेड। इस तरह से समझ लीजिए ऑक्टाइडल है और एक लोन पेयर बाहर की तरफ निकल रहा है केप की तरह, जैसे कोई अंग्रेज लोग केप पहनते थे ना, तो बाहर की तरफ मोर पंख की तरफ निकलता था, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड और कैप्ड ऑक्टाइडल, बात एक ही है। इसका एग्जाम्पल है IF6-। आप कैसे देख रहे हैं, छह तो बॉन्ड पेयर यानी सिक्स, और दो लोन पेयर की वजह से आपके नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएंगे, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए आयोडीन, यानी एक लोन पेयर होगा यहाँ पर, देखो आप 6, 7, 8, बिल्कुल सही है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके शेप और ज्योमेट्री बताते हैं, आपके कब काम बहुत आसान कर दिया मैंने, दोनों ही चीज़ें बता के, शेप और ज्योमेट्री, तो आपने बहुत अच्छे से इसको देख लिया है। ठीक है, लिखें इसको आप।